जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो ये फर्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इसमें एरो के साइन पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक कैरेक्टर का साइन है। इस कैरेक्टर के साइन करने पर आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, जिसमें कि आपको सेलेक्ट करना है कि जो भी मनचाहे आपका, उसमें से आपको जो भी आप अपनी एनिमेटेड वीडियो में आप कैरेक्टर चाहते हैं तो उसमें से आपको कैरेक्टर चूज करना है। इमेज के साइन पर क्लिक करने पर आपको कैरेक्टर के पीछे का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को चूज कर लेना है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर म्यूजिक का। म्यूजिक में आप अपने एनिमेटेड वीडियो को कोई भी साउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड साउंड। इससे अलग आप उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन भी उसमें है। इससे अलग यहाँ पर इमेज और GIF ऐड करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर साउंड इफेक्ट का है, साउंड इफेक्ट आप अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कोशिश करते हैं एनिमेशन बनाने की, एक छोटी सी क्लिप बनाने की। तो वापस हम डैशबोर्ड में गए, एरो के साइन पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक सेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या तो आप क्रेडिट परचेज कर सकते हैं या फिर एक व्यू ऐड कर सकते हैं, और ऐड व्यू करने पर ये आपका बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। तो हमने अपनी जो वीडियो है उस वीडियो में बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब हमारा काम है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ कैरेक्टर्स भी हमें ऐड करना है। तो कैरेक्टर्स के ऑप्शन पर हम जाते हैं। यहाँ पर हमें जो वीडियो में हमें कैरेक्टर यूज करने हैं उस कैरेक्टर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एरो दिख रहा था, उस एरो पर हमने क्लिक किया तो उसको मूव कर लेते हैं। कैरेक्टर पर अगर हम टैप करते हैं और तो उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसके हाथ को मूव कर सकते हैं, पाँव को मूव कर सकते हैं या फिर उसकी फुल बॉडी को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको टच करना है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक यूज नहीं करनी है, सिर्फ आपको टच करना है। टच करने के बाद में आपको मूवमेंट दिखाने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी हमारे एनिमेटेड वीडियो हम बना रहे हैं, जो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं हम, उस कैरेक्टर को सिर्फ उसके हाथ को टच करना है, पैर को टच करना है और हम उसको मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेम उसी तरह जिस तरह से हमने फर्स्ट कैरेक्टर इसमें इस्तेमाल किया था, तो सेकंड कैरेक्टर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको भी हम चेयर पर बैठा करके बैठाएंगे। सिर्फ टच करना है आपको बॉडी को। टच करने पर आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके आप उसको अच्छे से बनाएं, टच करें, फ्रेम ऐड करें। वो फ्रेम कैसे ऐड करते हैं मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप कैरेक्टर को टच करते हैं तो कैरेक्टर को टच करने पर ऊपर एक ऑप्शंस की मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पर आप उसके एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे वो हंस रहा है या एंग्री है या किसी भी तरह से, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोनों ही कैरेक्टर में आप चेंज कर सकते हैं कि उसका मूड कैसा है। तो जैसी भी आप एनिमेटेड स्टोरी आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप उसका मूड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसका एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इस ऐप में दिए गए हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि उसके हाथ को मूव करके देखता हूँ। हाँ, मूव हो रहा है। सेकंड कैरेक्टर का जो बॉय है उसको भी मैं मूव करके देखता हूँ। हाँ, ये भी मूव हो रहा है। तो यानी कि अगर हम इसकी आंखों के सामने टैप करते हैं या फिर हाथ पर टैप करते हैं तो ये आराम से मूव होने लगेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी को भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आंखों के सामने टैप करके अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखना कि जहाँ जहाँ हम टच करते हैं वो टच के साथ साथ में उसकी आँखों का मूवमेंट भी हो रहा है। इट मीन्स जैसी स्टोरी रहेगी उसी हिसाब से हम उसको मूव करते रहेंगे, उसी हिसाब से हम फ्रेम ऐड करते रहेंगे। तो ये कोई हार्ड काम नहीं है, एक ये छोटी सी ऐप है। इस छोटी सी ऐप में आप छोटी छोटी स्टोरीज बना सकते हैं। स्टोरीज बनाने के बाद में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पर। देखो, पूरी बॉडी मूव कर रही है, उसके पैर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स के पैर मूव कर रहे हैं, उसके हाथ मूव कर रहे हैं, उसकी नेक मूव कर रही है, गर्दन मूव कर रही है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी एनिमेटेड स्टोरी को अब डायलॉग्स देना स्टार्ट करते हैं। डायलॉग देने के लिए ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं स्पीकर का, उस पर स्पीकर पर क्लिक किया और हमने उसमें उसमें कोई भी रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह से हम बनाएं, फ्रेम बनाएं, ऐड फ्रेम करें, दूसरा फ्रेम ऐड करें यानी दूसरा, फिर उसमें साउंड दें। इसी तरह से हम बनाते हुए चलते रहें। एक पूरी स्टोरी जब हमारी क्रिएट हो जाए तो उसमें आप क्या करें, फ्रेम बाय फ्रेम आप उसके स्टोरी को ऐड करते रहें। उसमें म्यूजिक ऐड कर लीजिए, आप अगर चाहते हैं म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना तो उसमें म्यूजिक ऐड कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो वहाँ पर लिखा हुआ भी आए तो उसमें टेक्स्ट ऐड करने का भी ऑप्शन है।
तो यहाँ पर आप उसको टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन भी दिया गया है कि उसकी एंट्री कैसी होनी चाहिए, उसका एग्जिट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। किसी भी फ्रेम पर आप अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस और आ जाएंगे, जैसे कि आप स्पीड उसकी नॉर्मल स्पीड कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रेम की, कि उसको कैसे करना है। वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, उसको फ्रेम को, पर्टिकुलर फ्रेम को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये प्रोजेक्ट बनकर आएगा कि जिसको आप सेव कर सकते हैं। उसमें कुछ टैगिंग कीजिएगा, फ़नी, मूवीज़, पॉलिटिक्स, और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में डाउनलोड का एक ऑप्शन है, डाउनलोड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी मूवी जो होगी आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये मूवी आपकी बनकर तैयार है, इसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर।